धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे कुछ समय पहले मैं मार्केट जाती हूँ कि नहीं ये सवाल पूछा था, मैंने सोचा वो भी अपनी कुर्सी खाली नहीं करेंगे तो उनको मैं बता सकूँ कि जब 2014 में एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी NDA को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिली और उनको एक ऐतिहासिक हार मिली और उसके बाद उनको अभी तक पता नहीं था, लेकिन अभी नए नए आटे दाल के भाव भी पता चलने लग गए। चलो आटे दाल के भाव तो पता चल गए। जो 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के युवा वरिष्ठ नेता ये कहते गए सभापति जी कि वो युवा हैं, वो देश के युवाओं की चिंता करते हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी उन्हें जमीनी हकीकत अपने चुनाव अपने वक्त पता चलती UPA के वक्त, तो ये हिम्मत नहीं करते खड़े रह के कि महंगाई किसकी है और महंगाई किसकी नहीं है। आज उनकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ कि वो यहाँ आज बैठे नहीं हैं तो उनको हर सवाल का जवाब सीधे सीधे हम दे देते। सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने आटे दाल के भाव के बारे में कहा, दाल तक आए और दाल तक उन्होंने ये भी कहा कि MSP और मार्केट प्राइस में कुछ फर्क है। अभी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि MSP और मार्केट प्राइस अलग होती है, उसका वित्तीय अंडरस्टैंडिंग अलग होता है। मुझे भी अचंभित हो गई, जो इतने साल से गांव गरीब जनता की, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश भर की जनता से बात करते रहते हैं, यहाँ कभी चाय पीते, कभी कलावती के घर जाते हैं, कभी गुजरात जाते हैं, कभी कहीं और, सब जगह उनका पॉलिटिकल टूरिज्म चालू रहता है, लेकिन उस पॉलिटिकल टूरिज्म में उनको ये नहीं पता चला कि आटे दाल का ये जो भाव बढ़ गया है वो 10 साल के कुकर्म के उनकी ही सरकार से बढ़ गया है। मैं ये आंकड़ों के साथ भी बता सकती हूँ अध्यक्ष सभापति महोदय कि जब हम वर्तमान के बारे में बात करते हैं, इट्स नॉट हिज मिस्टेक, हिज बॉस इज नॉट देयर। वर्तमान की स्थिति जब आपके सामने आती है और जिस वर्तमान के लिए हम अभी लड़ रहे हैं कि इस वर्तमान में हमें वर्तमान अंधकार की तरह दिख रहा है, वर्तमान गलत दिख रहा है, लेकिन वर्तमान कब पैदा होता है? जब इतिहास बनता है तब वर्तमान पैदा होता है, और इन्होंने बनाए हुए 10 साल के अंधकार के इतिहास से आज हम वर्तमान में ये स्थिति देख रहे हैं। लेकिन वर्तमान में काम करना भी उतना जरूरी है कि देश के भवितव्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हमें काम करना है। जब दाल की प्राइस के बारे में बात किया जाते हैं तो दाल में काला क्या है ये पहले इनके काले धन के रूप से उनको देखना चाहिए। आज किस प्रकार की दाल काली हो रही है, दाल में क्या काला है, दाल की क्या कीमतें हैं, मुझे तो बहुत, मैं अचंभित हो गई कि जिस प्रकार से कीमतें उन्होंने निकाली, जब वो कुछ साल पहले देखते तो उनको पता चलता दाल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों गई है। हम सरकार में हैं, हम जानते हैं दाल की कीमतें बढ़े हैं, हम कोई झूठ मूठ नहीं कह रहे कि दाल की कीमतें नहीं बढ़ी ही नहीं है, काल्पनिक रूप से बढ़ाई जा रही है, लेकिन हमने ये किया कि जब दाल की कीमतें बढ़ती गई, जब सपोर्ट प्राइस कम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस रूप से बढ़ाते गए हम क्योंकि हमारे किसानों को तकलीफ कम हो, जब दाल की प्राइस बढ़ती गई तो सबसे पहले एडवाइजरी पूरे देश भर में PMO ने भेजी गई। आज उत्तर प्रदेश आप देखें, आप महाराष्ट्र देखें, राजस्थान देखें, ऐसे कितने राज्यों में जब एडवाइजरी भेजी गई, उन एडवाइजरी में पहली बार इतिहास में जो दाल के बिचौले हैं, होर्डर्स है, उन पे क्रिमिनल केसेस की गई, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, और उन क्रिमिनल केसेस में से हर जगह दाल सीज की गई और वो लोगों तक पहुंचाई गई, आप हर एक प्रदेश में देख सकते हैं। जब दाल की कीमतें बढ़ी तो एक्सपोर्ट रुकाया गया, काबुली चना नहीं रुकाया गया लेकिन एक्सपोर्ट रुकाया गया। जो दालें आ रही हैं भारत में, जो भारत में दालें आ रही है उसमें पूरी तरह जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई, स्टॉक लिमिट अगस्त तक बढ़ाया गया, स्टॉक लिमिट इतने लंबे तक बढ़ाई नहीं जाती है, आदरणीय मंत्री जी यहाँ पे हैं वो जानते हैं, तो दालों की स्टॉक लिमिट भी बढ़ाई गई। आज मोजम्बिक, मलावी हो या कोई और राष्ट्र हो जहाँ से हम दाल लाने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरी तरह से। मैडम वन मिनट, यस सर, आई वांट टू नो द सेंस ऑफ द हाउस टू एक्सटेंड वन आवर फॉर दिस डिस्कशन। नहीं नहीं आज का कल दूसरा काम, कल कोई और दूसरा काम करेंगे, अप टू 7 o'clock देन वी विल डिसाइड। करुणा करुणा करण जी का कंप्लेंट है कि ये डेफर होता है बार बार।
नहीं नहीं आज आज कर अभी करेंगे 10 o'clock then we will decide then you continue madam sir Mozambique Malawi Vietnam जहां कहां से दालें हम ला रहे हैं उन दालों के लाने की कोशिश पूरी तरह की जाती है ये बात भी सच है मेहताब जी ने कहा था कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि दालें कैसे ला सकते हैं हमें ये देखना है कि देश भर में उसका उत्पन्न कैसे बढ़ सकता है उसको हम ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं तो इसीलिए मैं कहती हूँ उनकी बात बिल्कुल सही है ये हमारी काम करने की स्थिति वर्तमान की है भवितव्य का सोचा हुआ है आज आप किसान के बारे में कहते हैं कि देश के किसान रीढ़ की हड्डी है रीढ़ की हड्डी है लेकिन इस रीढ़ की हड्डी को कमी हमने देखा है कि रीढ़ की हड्डी कैसे मजबूत कर सकते हैं आज उस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए हमें किसानों को ताकत देनी बहुत जरूरी है ये महंगाई कहाँ से जुड़ी हुई है आज आप महाराष्ट्र में देखिए इतने जोर से चिल्ला चलानी चालू थे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है महाराष्ट्र में क्या हो रहा है महाराष्ट्र एक में वह ऐसा राज्य है गत दो सालों से जो जो कांग्रेस की पदाधिकारियों ने बनाई हुई मार्केट कमेटी उन सबको बर्खास्त कर दिया है और सीधे किसान जो होता है वो सीधे लोगों को अपना माल बेचता है तो बिचौलियों के बीच में हम जब दुराई डिमांड और सप्लाई के बीच को हम अलग कम करना चाहते अंतर जिससे हम बिचौलिया और इन लोगों की तकलीफ ना हो दाल और पल्सेस पे मेहताब जी ने एक अच्छा बोला कि ये सेक्टर को ऑर्गेनाइज होना चाहिए और मैं बिल्कुल मानती हूँ जब किसान फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने की वो रबी हो खरीफ हो उसमें बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ये बात की गई है कि उसमें न कैप रखा गया है न किसान को पूरी कहीं ना कहीं लिमिट है कि आप इतना प्रीमियम भरिए या ना करिए लिमिट प्रीमियम की जो कुछ हो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भरेगी जितना किसान अपने रूप से कर सकते हैं वो दे सकता है आज किसान को वो ताकत देना बहुत जरूरी है जिससे वो ताकत बढ़ती है इस रीढ़ की हड्डी को हम ताकत देते हैं तो सबसे पहले बीज बोने से पहले खाद की जरूरत पड़ती है सर खाद मैं बचपन से अखबार पढ़ती आ रही हूँ और हर दूसरे हफ्ते ये और रबी और खरीफ के तो वक्त तो अखबार पढ़ती हूँ लेकिन हर वक्त ये अखबार में पढ़ती आ रही हूँ कि खाद के लिए किसान गया और लाठी खा के वापस आ गया ये सालों साल हम देखते आ रहे हैं कि खाद के लिए किसान पहुंचता है और सिर्फ सिर्फ खाद नहीं तो लाठी खा के ही वापस आ जाता है लेकिन गत दो वर्षों से डिमांड और सप्लाई के बीच का अंतर बिचौलियों को निकाल के जिस प्रकार से कम किया गया है आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को जब किसान खाद की डिमांड करता है तो उसे लाठी नहीं तो खाद ही मिलता है ये सप्लाई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो नीम कोटेड यूरिया हो वो रासायनिक खाद हो डिमांड और सप्लाई के अंतर जब कम होता है तब इस प्रकार की होर्डिंग नहीं होती है मैं सालों से ये भी सुनती आ रही हूँ यहाँ पे आदरणीय युवा नेता है नहीं जिन्होंने मुझे मार्केट में जाती हूँ कि नहीं पूछा गया लेकिन मैं उनको ये पूछना चाहती हूँ सालों से मैं तो पैदा होने के और सालों कई सालों से लोग हर वक्त गरीबी हटाओ किसानों के लिए कुछ काम करो गरीबी हटाओ से लेके हमारा हाथ गरीबों के साथ यही मैं नारे सुनते आ रही हूँ ये देश की जनता जानती है कि गरीब हटे या गरीबी हटी लेकिन इनकी कुछ सात आठ पुश्तें बिल्कुल इस देश में सेट हो गई है इस प्रकार की गरीबी हटाओ का नारा राजनीतिक इन लोगों ने किया हुआ है मैं इतना ही कहना चाहती हूँ जिस प्रदेश से मैं आई हूँ हम किसान की ताकत जब निर्माण करेंगे तो ही उस प्रकार से खाद निर्माण होगा बीज बोया जाएगा और फसल लोगों तक पहुँचेगी हाँ बिल्कुल हम चाहते हैं कि देश में जितना उत्पाद हो उतनी ही प्रकार से हमारे लोगों तक वो ताकत मिले लेकिन उस उत्पाद के लिए उस किसान के लिए क्या जरूरी है 15 वर्ष में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी मैं महाराष्ट्र से हूँ 15 वर्ष में सबसे ज्यादा किसान की आत्महत्या के बारे में युवा नेता ने कहा था 15 वर्ष में महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या सबसे ज्यादा हुई क्यों हुई किसकी सरकार थी वो किसान आत्महत्या करता था उसमें कारण कई थे लेकिन एक कारण महत्वपूर्ण था उसे खाद चाहिए था उसे पैसा चाहिए था उसे फसल बीमा योजना चाहिए थी लेकिन जब वो किसान लोड शेडिंग 16 घंटे बिजली नहीं होती महाराष्ट्र में थी आज बिजली पूरी तरह से सरप्लस है लेकिन वो 15 वर्ष बिजली महाराष्ट्र में नहीं होती थी तो वो किसान जब आत्महत्या करता था तो अध्यक्ष महोदय इतनी दुखद बात है कि उस समय जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी तो FIR में जब किसान की आत्महत्या की दर्जी की जाती थी तो उसमें ये लिखा जाता था कि उसका दिल किसी पे आ गया था और दिल टूट गया इसलिए उसने शराबी होके देवदास बनके अपनी आत्महत्या कर ली
और ये सिर्फ एक ऐसी एफआईआर नहीं, ऐसी अनगिनत एफआईआर हैं कि जहां पे किसानों की आत्महत्या का एक मजाक बना दिया था, और ये हमें कहेंगे कि महंगाई की इतनी चिंता है। नाउ प्लीज कंक्लूड मैडम ऑन द सेकंड वन। महत्वपूर्ण बात विमेन एम्पावरमेंट की है, बस मैं दो मिनट में खत्म करती हूँ। महत्वपूर्ण बात विमेन एम्पावरमेंट की कहां जाती है, आज हम सब ये जानते हैं गांव गरीब में महिला चूल्हा फूंक के अपनी जिंदगी फूंक देती थी। अमेठी हो, रायबरेली हो, मुंबई हो, पूरे देश भर में हो, कभी इन लोगों ने 60 साल में ये सोचा मैडम कि ये चूल्हा फूंक फूंक के हमारी माई जो हमें पुश्तों में वोट दे रही है वहां तक कभी एलपीजी का गैस पहुंचा? ये उज्ज्वला योजना से हमारे प्रधानमंत्री जी ने गैस पहुंचा है। मैं जानती हूँ समय की सीमा कम है, लेकिन आंकड़ों के एक दूसरे के साथ हम लोग जब आंकड़ों की लड़ाई करते तो आंकड़ों की लड़ाई में कहीं ना कहीं हमें भी आंकड़े देने पड़ते हैं, और ये आंकड़े कोई गवर्नमेंट के आंकड़े या कहीं के नहीं है मैडम, ये आंकड़े वर्ल्ड बैंक डेटा के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों में यही दिखाया गया है कि जब जब कांग्रेस की सरकार आई है तभी मुद्रास्फीति माने इन्फ्लेशन बढ़ता जाता था, और जब जब अब नॉन कांग्रेस की सरकार आई है तभी तभी इन्फ्लेशन घटता गया है। वो इंदिरा जी की नॉन काउंटिंग टू इयर्स ऑफ इमरजेंसी में एवरेज 10% है और हाईएस्ट 74 में 28% है मैडम। मुरारजी की जब सरकार आई नॉन कांग्रेस ही एवरेज 5.7 हो गया। आदरणीय इंदिरा जी की फिर से सरकार 84 तक आई तो 10% 5। राजीव गांधी जी की 7%, नरसिम्हा राव 10%, अटल बिहारी वाजपेयी 5% इन्फ्लेशन घट गया, और जब मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए थे तो वो 13% थी। नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही साल में 6% इन्फ्लेशन नीचे लाई। मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ मैडम कि यहाँ पे हम हर वक्त कहते हैं कि हर चीजों का जुमला बनाया जाता है। हम हमारे प्रधानमंत्री को लोह पुरुष के रूप से देखते हैं कि वो लोहे की तरह लोगों से लड़ते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। बुराई के खिलाफ लड़के हमारी गोर गरीब जनता के लिए हमें काम करना है। हम उन्हें आयरन मैन कहते हैं, लेकिन ऐसे आयरन मैन पे ऐसे युवराज जब प्रश्न उठाते हैं जो 60 साल से सोए हुए स्लीपिंग ब्यूटी जो यही सोते रहते हैं उनके बारे में मैं क्या कहूं। इन लड़ाई में हमें ना पड़ते हुए सब साथ में मिले, और महंगाई का जो मैंने वर्ल्ड बैंक डेटा दिया है उस रूप से देख के महंगाई कम हो रही है, तो मैं जानती हूं कि इतनी हिम्मत उन्होंने कैसे की महंगाई की कि 100 चूहे काके बिल्ली हज को गई, यही कांग्रेस को मैं कह सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।